प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के बीच अहम मुलाकात हुई। उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बुलेट ट्रेन को लेकर पीएम मोदी ने प्रगति रिपोर्ट दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में शनिवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है जम्मू कश्मीर में कुछ वर्षों में सीआरपीएफ की जरूरत ना पड़े। शाह यहां मौलाना आजाद स्टेडियम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 23वीं स्थापना दिवस पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शनिवार को गोरखपुर प्रवास पर आए सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माधव धाम में मुलाकात की। संघ प्रमुख से योगी आदित्यनाथ की करीब 40 मिनट बातचीत चली। इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। योगी ने संघ प्रमुख को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। तीनों निगमों का एकीकरण होने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बीच चल रहा 2457 करोड़ रुपए का किराया राशि विवाद खत्म हो जाएगा। इस राशि को लेकर आप पार्टी के नेता विपक्ष और पार्षद घोटाले आरोपी उत्तरी निगम पर लगाते आ रहे हैं। इस जानकारी देते हुए उत्तरी निगम ने पूर्व महापौर जयप्रकाश का कहना है कि बंटवारे के समय दक्षिण को आधा मेंटेनेंस देने के लिए तय हुआ था, जो दक्षिण निगम दे रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। शुक्रवार को इस मिसाइल का पहली बार दुनिया में किसी भी युद्ध में उपयोग किया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक उठापटक का दौर चल रहा है। विपक्ष इमरान खान के खिलाफ लामबंद हो चुका है और जोरों शोरों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा मांग रहा है। इमरान खान की कुर्सी को डगमगाता देख कुछ सांसद भी उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों में सुर मिला रहे हैं। करीब 2 दर्जन पीटीआई सांसद इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से पटकनी दी। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत दर्ज की, वहीं टीम इंडिया की यह तीसरी हार है। भारत को इससे पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने कंगारू को जीत के लिए 278 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे कप्तान मैनलिंग ने 97 रनों के दम पर टीम ने 3 गेंदों शेष रहते ही हासिल कर लिया। ये महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज है। इस हार के बाद मिताली राज ने कहा कि फील्डर्स ने आज गेंदबाजों का साथ नहीं दिया। चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाले लक्ष्य सेन ने आज खेले गए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कंगना रनौत का शो लॉकअप काफी पसंद किया जा रहा है। शो में सेलिब्रिटीज कभी लड़ते नजर आते हैं तो कभी एक दूसरे से प्यार से बात करते नजर आते हैं। शो में करण कुंद्रा जेलर बने हुए हैं। करण कुंद्रा शो में अक्सर कंटेस्टेंट की क्लास लेते हुए नजर आते हैं। इस बार करण ने करणवीर बोहरा की क्लास लगा दी है। अंजलि अरोड़ा ने कहा था कि करणवीर ने उनके साथ रोमांस एंगल शुरू करने के लिए कहा था, जिस पर करण कुंद्रा ने करणवीर की क्लास लगाई है। उन्होंने करणवीर को काफी खरी खोटी सुनाई। इस समय भारती सिंह प्रेग्नेंट है और इस पीरियड को काफी एंजॉय कर रही हैं। भारती सिंह अपने प्रेगनेंसी के हर फेज को यादगार बनाना चाहती हैं। इस बीच उन्होंने पति हर्ष लिम्बाचिया संग मैटरनिटी फोटो शूट कराया है। खबरों की माने तो भारती सिंह अगले महीने यानी अप्रैल में बेबी को जन्म देंगी और उनका स्वागत करेंगी।